हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर आए हैं कुछ नया क्रिएटिव सा। ये मेरे पास प्लाईवुड पड़ा हुआ था, ये कट पीस अक्सर बच जाते हैं जब हम फर्नीचर का काम कोई घर पे करवाते हैं, तो इस तरीके के पीसेस जो बच जाते हैं, तो ये मेरे पास पड़ा था। मैंने इस पर अच्छे से पेंट कर लिया था और इस तरीके से आप लोगों ने ले लेनी है। कुछ लंबी सी जो प्लाईवुड होगा वो ले लेना है और ऊपर से मैंने दो जो होल्स थे वो निकलवा लिए थे और इस तरीके से दो होल्स जो है वो चाहिए क्योंकि हम बना रहे हैं हैंगिंग प्लांटर। तो इसके लिए फिर मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स जो थी वो ले ली थी और उनको हाफ पोर्शन में काट लिया था, इस तरीके से काट लिया था। तीन बॉटल्स जो थी वो मेरी इसमें लगी। अब इन बॉटल पे हम डिफरेंट फेसेस जो हम वो बनाएंगे। एक बॉटल पे मैंने कैट का बनाया, दूसरी पे मैंने स्पैरो का बनाया था और तीसरी पे मैंने बटरफ्लाई का बनाया था। इस तरीके से मार्क करने के बाद आप सीजर के साथ इसको अच्छे से शेप में काट लेना, फिर उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट काम करेंगे। फिर मैंने इस तरीके से एक्री कलर लेती हूँ और इस तरीके से बॉटल पे ही मैंने गिरा लिया और स्पंज के साथ अच्छे से फैलाकर अलग अलग बॉटल पे अलग अलग कलर जो थे वो मैंने कर लिए थे। इसके बाद मैंने जो फेसेस बनाए थे उनको आउटलाइनिंग कर लिया था इस तरीके से ब्लैक कलर के साथ। ये एक्री कलर होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और ये धूप वगैरह में भी ख़राब नहीं होते हैं। तो इस तरीके से फिर मैंने इस तरीके से ड्रॉ जो था वर्ड का कर लिया था और नीचे की तरफ ही मैंने इसकी पूरी ड्रॉइंग जो थी वो बना ली थी। इस तरीके से आप लोग भी बना लेना और देखने में बड़ा प्यारा लग रहा था। इस तरीके से फिर मैंने इसको पैरेट का जो कलर था वो कर दिया था और इसी तरीके से मैंने सारी जितनी भी बॉटल्स में जो फेसेस बनाए थे उनको प्लानिंग इसी तरीके से किया था। हमने जो प्लाईवुड लिया था उसमें हम थोड़ी सी रस्सी जो थी वो डालेंगे क्योंकि हमें इसको हैंगिंग प्लांटर बनाना, तो इस तरीके से जो रस्सी डालनी है क्योंकि हम इसी से जो है वो हैंग करेंगे, तो इस तरीके से आप लोगों ने थोड़ी सी रस्सी जो है वो डाल लेनी है और उसको बांध देना है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने प्लांटर छोटे छोटे बनाए थे इस तरीके से, इनको हम जो है वो कील की हेल्प के साथ इसको इसके साथ प्लाईवुड के साथ अटैच कर लेंगे इस तरीके से। आप जो है वो कील जो लोगे तो वो इस तरीके कील लेना, जैसे ये सपोर्ट होती है पीछे इस तरीके, अगर दूसरा किल लोगे तो वो बिल्कुल बीच में चला जाएगा तो फिर इतना जो है वो अच्छे से नहीं होगा। तो इस तरीके की किल लेके आप लोगों ने इसको हैंग करना है और सभी को मैंने इस तरीके से हैंग कर लिया था और एक एक काफ़ी था ये किल और आप लोगों ने इस तरीके से तीनों लगा लिए। अब मैं इनमें मिट्टी डालकर अच्छे से प्लांटर जो है वो लगा दूंगी और ये बनकर रेडी था बिल्कुल। आप लोग भी इस तरीके से वेस्ट कोल्ड ड्रिंक की बॉटल या प्लाईवुड जो पड़े होते हैं हमारे घर में तो इस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं आप लोग। और आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी आज की वीडियो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।